all this time on this to go beautiful level of the So, God, God, the high 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 God, the ताली बजाते हैं और हम लाइव हैं एक्चुअली आदत छूट गई है डेढ़ साल से घर में बैठे हैं जूम पे तो प्लीज आप तालियां बजाइए बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट नमस्ते मैं दिख रही हूं ना माननीय गवर्नर अब प्रज्वलन चल रहा है और गणपति बाबा के दिन आ रहे हैं तो सारी ड्रेसेस एक साथ हो रही है ये छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारे लता जी दुबई से आए हैं बहुत प्यार से ये तोहफा लाए हैं वैसे 27 मेरा लकी नंबर है क्योंकि मेरा जन्मदिन भी 27 जनवरी को है तो मैं बहुत खुश हूँ कि 27th लायंस अवार्ड गोल्ड अवार्ड के दिन मुझे अवार्ड मिला है और डॉक्टर मनवानी ने ये सब किया है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आज बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों को अवार्ड मिलते देखते हुए क्योंकि आर्मी और बाकी जितने आर्मी की फैमिलीज को जितना सपोर्ट दिया जा रहा है इट इज़ सो अमेजिंग सो आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स इसलिए तो दाढ़ी उगाई हुई है अभी मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए आश्रम सीजन 2 के लिए और बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा आश्रम के लिए मुझे और ये अवार्ड्स जो मिल रहे हैं वो सब आश्रम की वजह से हैं तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा प्रकाश जी को और MX प्लेयर को कि उनकी वजह से मुझे ये रोल मिला और लोगों को बहुत पसंद आया First off, I want to thank Dr. Manwani. You know, this is a great honor, a very special honor. I always say fitness has given me an identity away from what everyone expected me to be or expected me to do, you know. And I especially want to thank my brother Tiger for being my biggest motivator and my biggest encourager. You know, it's a blessing to be able to do what I love every single day. So yeah, all I want to say is thank you. I'm forever grateful and I hope everyone has a great evening. मुझे मैंने एक बार ही किसी ब्लॉग में देखा था कि सुबह यहाँ पे घुसा के नाश्ता कराया जाता है दैट्स यू नो इट्स लाइक अ साइट सीइंग फॉर टूरिस्ट एंड बात करते करते हम घूम घूम के दिखा भी देंगे दिस इज़ द कॉरिडोर लोड्स ऑफ प्रोटोकॉल बट इस प्रोटोकॉल के बीच में शूट करके दिखाना बहुत मुश्किल है बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम मोमेंट और इस मोमेंट को मैं इस तरीके से लॉस नहीं करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि यही मैं खड़े होकर बोलूँ मैं चाहती तो गाड़ी में बैठ के बोल सकती थी बट ये फीलिंग यहाँ पर अच्छा गाड़ी में गुरमीत बोलेंगे यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरीके से मैं दिखाऊँ दिस सो मच टू सी दिस सो मच टू सी बट एक टूरिस्ट के तौर पे नहीं यहाँ पे आके अवार्ड मिला आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट और एक बहुत चीज़ है मैंने सीखी है देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम हमेशा या और गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी के मुँह से जो जो बात आज सुनने को मिला इट इज़ लाइक अ शिक्षा जेन्युइनली हमने मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कितने मन लगा के उनकी बातें सुनूंगी और इतना अच्छा लगेगा मिलते हैं बाहर आपको तो मस्त बाइट मिल गया यही चले थैंक यू मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही क्या बोलें तहे दिल से लायंस क्लब जो है ये आज से नहीं है बहुत साल पुराना है और
कब से चले आ रहा है। मेरे को पहले भी एक बार मुलाकात हुआ था, ख़ास करके राजू मनमनी जी है जो हमारे फिल्म फेटर्निटी से ही है, एंड वो है यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू द लायंस गोल्ड अवार्ड जो दे रहे हैं उन लोगों को, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उसके लिए चुना गया। एंड बस ये एक हौसला होता है, हमें हौसला बढ़ाने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली कुछ लोगों के बारे में सिर्फ सुनते हैं, जब उनसे रिश्ते बनते हैं तो कैसा फील होता है, आपकी दूरियां मिट जाती हैं। तो आज गोल्ड अवार्ड से इतने साल हम दूर रहे, चलो इश्क पर जोर नहीं तो थैंक यू है। हम सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं अपने को आर्टिस्ट को कि हमारे प्रोड्यूसर, हमारे प्रोडक्शन हाउस और हमारे शो की वजह से गोल्ड अवार्ड के करीब आए हम लोग। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू एक्चुअली यू नो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर यू नो फॉर द कैरेक्टर दैट यू हैव गिवन योर ब्लड एंड स्वेट। I'm really happy that we got this opportunity, our show got this opportunity, so I'm really glad and happy at the same time. Yeah, we are really grateful that hum log itna fans ka itna pyar mila, that we are getting in four categories we are getting awards. Yeah. And itne acche cause ke liye hai Lions Gold Award, they are like adopting families of Indian officers. तो बहुत अच्छा काम है, बहुत रेपुटेटेड अवार्ड फंक्शन है, सो वी आर गेटिंग अ पार्ट ऑफ इट, सो वी आर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी रिसीविंग दिस 27th लायंस गोल्ड अवार्ड, एंड आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज लायंस हैज़ बीन डूइंग सम फिनोमिनल वर्क, एंड जितना उन्होंने हाउ दे हैव कवर्ड ऑल द फील्ड्स and especially what they are doing for the armed forces and ke family ke liye, I really applaud them, and it's a great honor, and thank you for inviting me here for this prestigious award. Thanks. Aap mera hai kuch kehna chahenge aap, and 27 lions gold award hai, so what would you say about the judges and kya kehna chahenge aaj ke sham ke baare mein? I'm thankful ki lions gold award bahut hi prestigious award hai, aur mujhe third time ye award mil raha hai, and is saal mila for style diva of the year, so thank you lions gold award, and specially hamare respectable governor of maharashtra ji ne, maharashtra ne hame ye award diya hai, to it's you feel really privileged, and thank you. I would like to thank all my fans, all my well-wishers, and thank you to the committee behind the Lions Gold Award for giving me this. इन्होंने आर्मी फैमिली को भी सपोर्ट किया है, एंड कोविड के टाइम पे भी वॉरियर बन के आए, तो कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग नौजवान हमारे देश की रक्षा करते हैं जो कि आर्मी फैमिली से आते हैं, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू देम। हमें मौका नहीं मिलता कि हम उनका शुक्रगुजार हुए, बट आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आर्मी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जा रहा है, इतने सारे आर्मी की तरफ से सब नौजवान आए हुए हैं, सो इट्स माई प्लेजर मीटिंग देम, एंड यू नो इट गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि इतनी मेहनत वो करते हैं हम सब के लिए, ताकि हम सब सिविलियंस सुरक्षित रह सकें, सो थैंक यू। सो शूटिंग हमने सत्यमेव जयते 2 की ख़त्म कर ली, अभी पोस्ट चल रहा है, आई थिंक जब एक बार पोस्ट ख़त्म हो जाएगा होपफुली तब तक थिएटर्स भी रिवाइव बैक हो जाएंगे, सो विल बी कमिंग देन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एक्चुअली सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अवार्ड तो मिल ही जाते हैं, लेकिन राजभवन में आके गवर्नर जी के हाथ से अवार्ड लेना, दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड आई मीन ये एक प्रोत्साहन है कि जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, और इस रास्ते में और भी अच्छा मैं करूँगी, तो you know there's a recognition and such a huge recognition, I am just loving it, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इस बात के समझ रही हूँ कि गवर्नर जी का जो स्पीच सुनने को मिला that was outstanding, actually मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम देश के लिए you know हम लोग बहुत entertainment
की तरफ से योगदान करते हैं, लेकिन इस एंटरटेनमेंट के रास्ते से अगर हम देश के लिए थोड़ा सा भी कर दे, आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड देशभक्ति इन अनादर वे। सो अलग से आर्मियों के प्रति यू नो वो फीलिंग जगाने की ज़रूरत नहीं है। एज अ हिंदुस्तानी आई थिंक बचपन से ही ये होता है हर एक के मन में। प्लस माय हस्बैंड बिलोंग्स टू अ आर्मी फैमिली, तो इसीलिए वहाँ पे जो भी आज बात हो रही थी कहीं ना कहीं मेरे दिल दिमाग में रेजोनेट हो रहा था, एंड आई एम सो ग्लैड आई एम हियर टुडे। वेल, सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं टीवी में, फिल्मों में, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि जब आप देशभक्ति करते हो और देश के लिए कुछ करते हो, उसके लिए अगर अवार्ड मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम हमेशा। वेल, मैं ये अवार्ड एक्चुअली अपनी पूरी टीम को देना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी टीम ना होती तो शायद मैं इतना लोगों तक पहुँच नहीं पाता। और जितने भी लोग इस पेंडेमिक में जिस तरीके से हमें मेरी टीम ने मदद की और जिस तरीके से हम लोगों तक पहुंच पाए, वो तो बहुत बड़ी बात है। और साथ में जितने भी लोग थे जिस तरीके से एक साथ मिल के लोगों ने काम किया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज गवर्नर सर से पहली बार मुलाकात हुई यहाँ पे, और उन्होंने जो देशभक्ति के बारे में बताया वो बहुत ही दिल को छू गया। और जो उनकी वो बात थी कि हम हमेशा अपने भगवान की पूजा करते, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, लेकिन हमें अपनी भारत माता का भी उतना ही प्रेम हमें करना चाहिए। तो ये सारे इस सब के बारे में जैसे मैंने जाना तो मुझे लगा कि यस, बिल्कुल हमें अपनी भारत माता को हमेशा प्रथम रखना चाहिए। थैंक यू लायंस गोल्ड अवार्ड्स, एंड थैंक यू राजू मनवानी सर, जिन्होंने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत अवार्ड फंक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं खुश हूँ, अपनी सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करता हूँ, समाज में रिकॉग्नाइज किया जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, लव यू। वेल, थैंक यू सो मच। आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू रिसीव दिस अवार्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। It's truly something that I will always cherish. So thank you so much for honoring me with this because of my performance in Harfun Mola with the wonderful Amir Khan. I feel extremely humbled and blessed and privileged. So thank you.